आरोग्य जागृती। आरोग्य जागृति में आज कोविड योद्धा क्या होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण औरंगाबाद के MIT हॉस्पिटल से आया है। जी हाँ, औरंगाबाद के MIT हॉस्पिटल की तारीफ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर सुहास बाबीकर और उनकी टीम ने काम ही कुछ ऐसा किया है। खबर विस्तार से। कोरोना के इस पैंडेमिक काल के बाद कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को छूना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन औरंगाबाद के डॉक्टर सुहास बाबीकर और उनकी टीम ने कोविड पॉजिटिव महिला की किडनी उसी के 22 साल के बेटे को ट्रांसप्लांट की है। घटना हिंगोली की। 45 साल की ये माँ 22 साल के अपने जवान बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने निर्णय लिया अपनी किडनी अपने बेटे को दान करके उसकी तकलीफ को दूर करने का। सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई, ऑपरेशन की तारीख भी तय हुई। ऑपरेशन के एक दिन पहले ही एक सर्जन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तुरंत ऑपरेशन को रोका गया। कुछ दिन बाद फिर से दूसरे सर्जन से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। इस बार भी एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। किडनी डोनर उस बच्चे के माँ को ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। परिस्थिति माँ और बेटे को जुदा करने में लगी थी, लेकिन किस्मत और डॉक्टरों की मेहनत उन्हें बचाने में लगे थे और आखिर डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। कोरोना बाधित माँ की किडनी उसके बेटे को लगाई गई और आज ये दोनों माँ और बेटे आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं। ये सारा श्रेय MIT हॉस्पिटल के कोविड योद्धा प्राध्यापक मुनीश शर्मा, डॉक्टर सुहास बाबीकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रधान, डॉक्टर शरद सोमानी, डॉक्टर अतुल सोनी, डॉक्टर अजय ओसवाल, डॉक्टर प्रशांत दरख, डॉक्टर राजेश साहूजी, डॉक्टर प्रमोद अफसिंगेकर, डॉक्टर बालाजी असेगावकर, डॉक्टर रितेश सोनी, डॉक्टर संतोष देशमुख, डॉक्टर फैसल रजवी और इनकी टीम को जाता है। इनकी टीम ने MIT हॉस्पिटल का नहीं बल्कि औरंगाबाद शहर का नाम पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा किया है। इन सभी डॉक्टरों को अप्रिशिएट करने के लिए आरोग्य मंत्री माननीय राजेश जी टोपे, इन्होंने MIT हॉस्पिटल में शिरकत की, सभी कोविड योद्धा डॉक्टरों से मिलकर उनकी तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डॉक्टर्स की टीम है, क्योंकि साइमल्टेनियसली डोनर के ऊपर आपको काम करना है और रेसिपिएंट के ऊपर भी काम करना है। और बड़ी टीम जो डॉक्टर्स की इसको लगती है, नेफ्रोलॉजिस्ट लगते हैं, यूरोलॉजिस्ट लगते हैं, जनरल सर्जन लगते हैं, एनेस्थीसिया की बड़ी टीम लगती है। तो ओवरऑल बहुत ही कम्पिटेंट टीम चाहिए ऐसी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए, बहुत हाई एंड ऑपरेशन थिएटर्स लगते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े सर्जिकल जो इंटरवेंशन रहते हैं वहाँ पे यूजुअली जो पेशेंट रहता है उसका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम रहता है। तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ता है यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो और बहुत ही हाई एंड हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। तो फॉर्चुनेटली MIT की जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं जिनको हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल करना आसान हो, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है, बट इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपका ऑपरेशन थिएटर का डिज़ाइन और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। पेशेंट हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में आते हैं और अदर देन दैट भी जो स्कीम में नहीं आते, बहुत रीजनेबल कॉस्ट में इन सब की हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाए और ऐसी क्रिटिकल इंटरवेंशन जो छोटी जगहों पे हो नहीं सकती है और बड़ी जगहों में भी बहुत ऐसी कम व्यवस्थाएँ हैं जहाँ पर ऐसे ट्रांसप्लांट जैसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल इंटरवेंशन सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाए, तो ऐसी व्यवस्था काम है, इस चीज़ का हमको ध्यान है। जी जिथे जिथे आता आर अपन आल क्वारंटीन करते आहोत, स्वॅब्स घेत आहोत, ज्यांना ज्या कॅटेगरीचं हॉटेल पाहिजे असेल त्या कॅटेगरीमध्ये ठेवतो आहोत आणि त्यानंतर जर कोणी पॉझिटिव्ह आढळला तर मग आपण त्याच्या पुढच्या उपचाराची व्यवस्था करतो। मला असं म्हणायचं की याबाबत राज्य शासन निश्चित प्रकारे अत्यंत जागरूक आहे।
डॉक्टर सुहास बाविकर किडनी डायलिसिस ट्रांसप्लांट विभाग प्रमुख MIT हॉस्पिटल औरंगाबाद आज के इस कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं उसका मकसद ये था कि MIT हॉस्पिटल में कोविड पैंडेमिक के इंटेंस पीरियड में लॉकडाउन में लोगों ने 6 किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किए, तो उसमें एक केस में डोनर को कोविड पॉजिटिव होने की वजह से जो दिक्कतें आई वो केस हमने एक इंटरनेशनल जर्नल है ट्रांसप्लांटेशन नाम का अमेरिका से पब्लिश होता है उसमें वो केस के डिटेल्स देने के बाद MIT हॉस्पिटल का और वो स्टडी हमारी पब्लिश होने की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्टडी में हमने ऐसा सवाल पूछा था कि इज़ इट सेफ टू ट्रांसप्लांट ए कोविड रिकवर्ड किडनी। वो केस में हमको ऐसा डर था कि अगर रेसिपिएंट को कोविड हुआ ट्रांसप्लांट के बाद भी डोनर सुधर गया अगर किडनी में कोविड जंतु अगर है और उसका अपन ट्रांसप्लांट करेंगे और तो रेसिपिएंट को कोविड हुआ तो MIT हॉस्पिटल पे डॉक्टर मेरे पे वो केस करेगा, ये डर की वजह से हम लोग परेशान थे। तो इसके बावजूद भी पेशेंट रिलेटिव्स का इंटरव्यू लेके लोगों ने साइंस पूरा चेक करके ये डिसीजन ले लिया कि पेशेंट की जान बचाने के लिए डोनर का स्क्रीनिंग 2 बार निगेटिव ऑपरेशन के पहले कन्फर्म करके हमने ट्रांसप्लांट किया। आज वो पेशेंट को डोनर और पेशेंट दोनों अच्छे हैं, किडनी अच्छी है और 1 महीना पूरा हो गया है, दोनों को कोविड नहीं है। तो ये पॉइंट और ऑनरेबल राजेश टोपे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने कोविड का पैंडेमिक में अच्छा काम किया, पैंडेमिक को अच्छा कंट्रोल किया और वो पैंडेमिक स्लोली कम हो रहा है, अच्छा हैंडल किया, उसके लिए उनके हाथ से वो डोनर का सत्कार करना, फेलिसिटेट करना, उसको थैंक्स बोलना, इसके लिए ये प्रोग्राम आज और उसी दरमियान आरोग्य जागृति हर साल एक दिनदर्शिका यानी कैलेंडर का विमोचन करती है जिसमें सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के नंबर और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी होती है। उसी कैलेंडर का विमोचन माननीय राजेश जी टोपे इनके हाथों किया गया। यहां आरोग्य जागृति के संपादक डॉक्टर अफसर शेख उपस्थित रहे। आरोग्य जागृति हमेशा वैद्यकीय क्षेत्र में आने वाले नई नई जानकारी और जन कल्याण योजनाओं का विवरण आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। औरंगाबाद MIT हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और उनके टीम को आरोग्य जागृति का सलाम।